मेरा डीएनए ठीक हो गया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साष्टांग दंडवत हुए थे, एनडीए की सरकार थी और उस समय भी आपने तारकिशोर प्रसाद जी को जाने से मना कर दिया था, प्रवेश निषेध कर दिया था। शिक्षा का अधिकार कायम है तो ऐसी स्थिति में आपने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति बंद कर दिया। जब एनडीए की सरकार में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद नीति आयोग में जा रहे थे तब उन्हें क्यों रोका जा रहा था? और आप नीति आयोग की बात कर रहे हैं तो हम नीति आयोग में जब कोई बात को रखते हैं, जब शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, जब रोजगार की बात करते हैं तब आप उस बात को अनदेखा कर देते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। ये दरअसल सवाल किया है नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जहां एक तरफ सुबह सुबह बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीति आयोग में शामिल नहीं होने पर सवाल करते हैं, तो अब दूसरी तरफ से जदयू की भी प्रतिक्रिया आ गई है नीति आयोग को लेकर। नीति आयोग बैठक को लेकर जदयू के MLC नीरज कुमार ने कहा है कि आपने जब पिछली बार जब एनडीए की सरकार थी तब तारकिशोर प्रसाद नीति आयोग में शामिल होने जा रहे थे तब उन्हें क्यों रोका जा रहा था, जरा आप हमें ये बता दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि अति पिछड़े वर्ग की जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनके पढ़ने के लिए 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, आपने उस पर रोक लगा दी। जनसंख्या को लेकर आपने रोक लगा दिया। आप जरा बता दीजिए कि आप नीति आयोग में हमारी बातों को सुनते ही कितना है, क्या कुछ नीरज कुमार कह रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। भारतीय जनता पार्टी नीति आयोग जैसी संस्था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बनाए, योजना आयोग को भंग करके, तो संविधान के तहत मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी होती है, तो राज्य के कोई माननीय मंत्री को अधिकृत किया जाए, ये दिल्ली के जो तथाकथित तीनों पोल की सरकार है इसको मंजूर नहीं। इसके पहले भी जब मेरा डीएनए ठीक हो गया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साष्टांग दंडवत हुए थे, एनडीए की सरकार थी और उस समय भी आपने तारकिशोर प्रसाद जी को जाने से मना कर दिया था, प्रवेश निषेध कर दिया था। ये कैसा नीति आयोग है जो मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी के तहत अधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध करती है बैठक में? साथ ही साथ मेरा सवाल यह है कि ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कौन सा, कि विकसित राज्य और विकासशील राज्य में अंतर समझ में नहीं आता? विकास दर में हमारा राष्ट्रीय औसत लगातार कायम है, महिला सशक्तिकरण में हमने रोल मॉडल है, हमारी भूमिका को नकारा जाता है, बिजली के क्षेत्र में हमारी उपलब्धता का पॉइंट कम दिया जाता है और जनसंख्या और मानक जो हमारा क्षेत्रफल है उसके अनुकूल जो केंद्र के द्वारा जो राशि दी जानी चाहिए तो लगातार आप सेंट्रल शेयर बढ़ाते जा रहे हैं। और आपने तो हद कर दिया कि जब शिक्षा का अधिकार कायम है तो ऐसी स्थिति में आपने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति बंद कर दिया। आपने बाबू जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, दलितों के लिए छात्रावास योजना बंद कर दिया। आपको तो केवल पेंटिंग पर भरोसा है, चेहरा अपना पेंट करिए, 110 रुपये डीजल लीजिए और जयकारा करिए। तो ऐसे नीति आयोग में जिसमें राज्य के हित का प्रकटीकरण नहीं हो और प्रवेश निषेध किया जाए तो ऐसे संस्थाओं का औचित्य क्या बचता है?